नमस्कार, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं OMG बिहारी। इस YouTube चैनल पे बिहार झारखंड की खबरें देता आया हूँ। आज कोरोना अपडेट में देश के विभिन्न राज्यों से बिहार के प्रवासियों का घर लौटने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बिहार में शुक्रवार को 7 राज्यों से 17 ट्रेनें बिहार आएंगी। इन ट्रेनों में 20,700 प्रवासी मजदूर और छात्र आएंगे। वहीं गुरुवार को राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर 24 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहुंची, जिसमें लगभग 28,500 प्रवासी मजदूर और विद्यार्थी आए थे। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर लगातार तीसरे दिन गुरुवार को भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी रहा। नागपुर और आनंद से उत्तर बिहार के 2,151 प्रवासियों को लेकर दो स्पेशल ट्रेन गुरुवार को जंक्शन पहुंची। दोपहर 3:10 पर नागपुर से 1,002 प्रवासियों की पहली ट्रेन, रात 8 बजे आनंद से दूसरी स्पेशल ट्रेन 1,150 प्रवासी लेकर आई। प्लेटफॉर्म पर प्लेस होते ही सुरक्षा कर्मियों ने ट्रेन को घेरे में ले लिया। जंक्शन पर 22 मेडिकल टीम की तैनात थी। सभी प्रवासियों की बोगी में ही एक एक पर्ची दी गई, जिस पर नाम, मोबाइल नंबर, जिला लिखकर जमा कराया गया। 20 मिनट बाद बारी बारी से बोगी से नीचे उतारकर मेडिकल टीम ने स्क्रीनिंग की, फिर इन्हें अपनी अपनी जगहों पर जाने के लिए क्वारंटाइन सेंटर में भेजने के लिए बसों पर चढ़ाया गया। के सारे दावे फेल होते नज़र आ रहे हैं। लोगों ने रास्ते में अच्छा खाना पानी नहीं देने की शिकायत की, परेशानी झेलते हुए ये पहुंचे अपने घर, और क्वारंटीन सेंटरों पर भी शिकायतें मिल रही हैं अच्छे खाने और अच्छी व्यवस्था नहीं होने की। टिकटों के भी पैसे लिए जा रहे हैं। सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अभी तक किसी को 1,000 रुपये भी नहीं मिले हैं। ये सभी सरकारी दावे हैं, पर इन दावों और इन इंतजामों के बीच सभी प्रवासी अपने घर पहुंचकर बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। सभी के चेहरे पे खुशी नज़र आ रही थी कि अपने वतन लौट आए। कुछ ने स्टेशन परिसर पर पहुंचते ही अपनी धरती को चूमा, उन्होंने धन्यवाद दिया घर वापसी आने के लिए। आपकी सुरक्षा के लिए यह घोषणा की जा रही है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर अधिकृत व्यक्ति के अधीन अतिरिक्त कोई न रहे। आपके बस में खाने एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है, कृपया आप उसे ग्रहण करके 2540 सिवान 5103 याद रखिएगा। चंपारण, कौन चंपारण?